विधानसभा चुनाव से पहले ही राज्य की सियासत में एक बार फिर हिंदुत्व पर वार पलटवार का खेल शुरू हो गया है। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ और दिग्विजय सिंह ने हिंदुत्व को लेकर बयान दिया था। उनके बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि दिग्विजय और कमलनाथ को न हिंदुत्व से लेना देना है और न ही देश से और न समाज से, इन्हें सिर्फ वोट बैंक से लेना देना है। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भारत के हिंदू राष्ट्र होने के सवाल पर कहा था कि जिस देश की 82% आबादी हिंदुओं की है, उस देश को हिंदू राष्ट्र कहने की क्या जरूरत है, ये तो है ही हिंदू राष्ट्र। वहीं पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह ने हिंदू राष्ट्र के सवाल पर इसके विपरीत बयान दिया। दिग्विजय सिंह ने कहा कि संविधान की शपथ लेकर काम करने वाला कोई भी व्यक्ति हिंदू राष्ट्र की बात करता है तो उन्हें पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, उसके बाद ही कुछ कहना चाहिए। अब दिग्विजय सिंह और कमलनाथ के बयान पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पलटवार करते हुए कहा कि दिग्विजय सिंह हो या फिर कमलनाथ, इन दोनों को ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना ही देश से और ना समाज से कोई लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है, ना दिग्विजय सिंह को ना कमलनाथ जी को। इनको ना तो हिंदुत्व से लेना देना है, ना देश से लेना देना है, ना समाज से लेना देना है। ये तो वोटों की फसल काटने के लिए जब जो ठीक समझते हैं वो कहते रहते हैं, इनको किसी से लेना देना है।